नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ में चोरों के हौसले इसका तरफ बुलंद है कि रात को आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां मोहल्ला घड़ी नई आबादी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने 17,000 की नकदी व ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि पड़ोसी के मकान को भी बाहर से लॉक कर दिया ताकि अगर कोई जाग जाए तो अपने कमरे से बाहर ना सके। आपको बता दें, चोरी वाली घटना से कुछ ही दूरी पर रात का पुलिस पैकेट खड़ी रहती है। चोरी की घटना का पता चलते ही पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। जब हम सुबह को मेरे घरवाली उठे तो ये बाहर से ये बंदे हुआ था। अच्छा। उसके बाद में इन ना ये तो कैसी खोला खाली करी करी झटके मार खोला, फिर इन्हें मुझे उठाया मुझे बाहर का तुमने ताला लगा नहीं लगाया। तो उसके बाद में फिर जो है ना मैं वहाँ गया भागा भागा सीधा। उसके बाद में जाने के बाद में वहाँ देखा तो सामान बिखरा हुआ। उसके बाद में निकल गया, मैंने है ना लड़कियों को उठाया यहाँ से एकदम है टोर चोर लेकर। जब हम सारे के सारे वहाँ देखा सामान सब बिखरा हुआ मेरा होपलेस। किस टाइम की बात है ये? सुबह की 4 बजे की बात है। अच्छा, लगभग कितना नुकसान है? लगभग हाँ भाई लगभग इतना होगा 50-60-70 हजार का नुकसान है। हाँ नुकसान है। चीज तो 8 तो चीज 8 9 9 तो चीज हो रही है। बच्चों की गुल्लक थी उसमें 1,000-2,000 रुपए होंगे, वो खोल फाड़ के वो लेंगे। अच्छा, तो आपको बंधक बना दिया यहाँ पे? हाँ बाहर से बांध दिया था, हमें कुछ पता नहीं लगी। 12-1 बजे तक तो हम सोए थे, उसके बाद में हम 4 बजे उठना रोज उठते हैं 4 बजे।